आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्टू। इससे पहले हम आपको मटन स्टू की रेसिपी दे चुके हैं, तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ चिकन स्टू। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए हम बताते हैं। और साथ में बनाएंगे खुश्का राइस। तो सबसे पहले हम चिकन की तैयारी करते हैं। तो हमारे पास 7 मीडियम साइज़ की ये प्याज हैं, इसको हमें बारीक चॉप कर लेना है, कट कर लेना है। और ये 250 ग्राम हमारे पास टमाटर हैं, एक हमारे पास तेज पत्ता था तो हमने उसको हाफ ऑफ कर लिया। 3 लौंग हैं, 3 इलायची हैं और ये 5 साबुत मिर्ची हैं। और ये थोड़ा हरा धनिया है, इसको गार्निशिंग में भी डालेंगे और थोड़ा सा बीच में भी ऐड करेंगे। और ये जुलियन अदरक है। 1.5 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है और 1 टेबल स्पून भर के हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। जीरा हमारा रोस्टेड है और आधा किलो हमारे पास चिकन है। अब हमें इसको कट करके, रफली चॉप करके हमको इसको पेस्ट बना लेना है। तो हमने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हमको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, फिर बाद में इसको निकाल लेना है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो अब देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, बस हमें ऐसी ही चाहिए था। और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तेज पत्ते, 3 लौंग और ये 3 इलायची और इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। और फिर इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी पूरा ड्राई नहीं हो जाए चिकन का। फिर इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो आप देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, हल्के हल्के से डॉट्स भी आ गए हैं। जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। और ये टमाटर की प्यूरी बनाई थी इसको भी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक होने देंगे। तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं अपने चिकन को और हम कुछ के चावल की तैयारी करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें, मेरे पास पतीला है, पतीली है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। उसको मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो तेल में ही बना सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ी सी प्याज है, उसको फ्राई करके हमें बाहर निकालना है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ी सी प्याज है, स्मॉल साइज की थी, इसको फ्राई करके हम बाहर निकाल देंगे। तो आप देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शाहजीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 ये बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च और ये 1 छोटा फूल चकली फूल। अब हम इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर दें क्योंकि हमारे चावल 2 ग्लास हैं और चावल का डबल पानी डालना रहता है। पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे
आप नमक अपने हिसाब से यूज कीजिएगा। तो आप देखिए पानी बॉयल हो गया, अब हम इसमें चावल धो के ऐड कर देंगे। हमारे ये नॉर्मल चावल हैं, आप चाहे तो पुलाव राइस भी यूज कर सकते हैं, हम जो डेली यूज करते हैं खाने में ये वही चावल हैं। तो हमने चावल को दूसरी गैस में शिफ्ट कर दिया है और अब देखते हैं चिकन के क्या हाल है। तो चिकन भी हमारा पक चुका है, टेंडर भी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम ये जो हमने प्याज फ्राई की थी, पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर देंगे। और जो जीरा और गरम मसाले का पाउडर है वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो इसको भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, हम इस पॉइंट पर ये मिर्ची ऐड कर देंगे और थोड़ा एक आध बार चला देंगे इसको और फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इसकी ग्रेवी थिक ही होती है, बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता। तीन से चार टेबल स्पून आप बस डाल दीजिए पानी लगाते। हरा धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और दिखाते हैं आपको डिश आउट कर। तो आप देखिए हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं, हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे। हमारे पास 1 पिंच येलो का फूड कलर था और थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब इसमें केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें कलर ऐड कर देंगे और दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। तो आप देखिए हमारे खुश्का राइस और चिकन स्टू रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।